नहीं करने। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप भी हमारे साथ, आज हम लोग जा रहे हैं पार्टी टॉप घूमी करने के लिए भव्य के साथ, है ना। हमें मंजिल मस्ती करो, हमारा बहुत मस्ती करेगी। तो आज का ये पार्टी टॉप वाला ट्रैवल ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं और अभी चलते हैं। भव्य अपना पेपा पिक भी दिखा दिया, पेपा पिक भव्य में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो अगर देखी है तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग इस टाइम पे कटरा में हैं। कटरा की वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो जैसे कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जैसे कि वहाँ पर वीडियो में आपने देखी होगी वैष्णो देवी की यात्रा और शिव पौड़ी की यात्रा की मैंने वीडियो अभी तक पोस्ट कर दी हैं। और आज की जो हमारा ये ट्रिप है वो है पाटनीटॉप का ट्रिप। ने यहाँ पे बताया था हम लोगों को कि हम लोगों को होटल से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो अभी भैया थोड़ा ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं, जो भी कैब चला रहे हैं वो। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ का पापा साथ ही में यहाँ का व्यू देख सकते हो। और भव्य ने अपने लिए परचेस किया है, कैब लिया भव्य आपने? एक घंटे के ट्रैवल के बाद भैया ने यहाँ पे खाना वाना खाया है, उनको ब्रेकफास्ट करना था इसीलिए भैया ने यहाँ पर स्टे किया था, रुके थे थोड़ी देर के लिए। और ये था हाईवे का व्यू। आपको मैं इस वीडियो में ज़्यादातर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा शेयर करूँगी क्योंकि वहाँ के जो व्यूज़ थे ना, मतलब देखने से जो फील आ रहा था ना, शायद हो सकता है कि वो कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुए जितना कि लाइव आंखों से देखने पे अच्छा फील हो रहा था। तो ज़्यादातर मैं आपके साथ वहाँ के सराउंडिंग्स का व्यू शेयर करूँगी। साथ ही में भैया ने हमें बताया था कि रास्ते में एक टेंपल पड़ता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पाटनीटॉप जाओ, हम लोग फिर भी अर्ली मॉर्निंग निकले थे, 9 बजे के अराउंड निकले थे, लेकिन फिर भी हमें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और अर्ली मॉर्निंग जाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप ट्रैफिक से बचे रहेंगे। तो फिर भी भैया ने कोशिश की थी कि रास्ते में जब ट्रैफिक मिला था तो भैया ने साइड से, वहाँ से थोड़ा सा रास्ता था तो भैया ने निकाल ली। ट्रैफिक में अगर हम लोग फंसे रहते तो हमें 4 से 5 घंटे से ज़्यादा लग जाता। देख सकते हो आप आगे बहुत ही लंबी लाइन ट्रैफिक लगी है, कम से कम 1.5 किलोमीटर से भी लंबा ट्रैफिक जाम था यहाँ पर। नाइट में भी भैया ने यही बोला था कि जल्दी वहाँ से आपको आना होगा, वरना रास्ते में ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा फंसना पड़ेगा इसी वजह से। तो ये देख सकते हो व्यू, अदरवाइज बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं ये आप देख सकते हो। भैया ने साइड से अपनी गाड़ी निकाल ली थी, जाम पीछे रह गया है। ये साथ ही में मतलब ये ट्रक्स वगैरह का जो जाम होता है वो आपको 2 से 3 किलोमीटर तो अराउंड मिलता ही मिलता है। ये देखिएगा यहाँ पे देख सकते हो, मतलब लोगों ने पहाड़ के ऊपर मतलब सर्वाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। उन लोगों को हैबिट हो रखी होगी, हैबिट हो चुकी होगी, बट देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर कितने कितने डिस्टेंस के बाद वहाँ पे घर बने हुए हैं इस तरीके से। तो जो आज हम लोगों का प्लान है ये देख सकते हो कितने अच्छा, मतलब पहाड़ों का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आसमान बिल्कुल पास में आ गया हो, पहाड़ों से टच हो रहा हो, इस तरीके का व्यू लग रहा है ये। तो आज हम लोग जा रहे हैं पाटनीटॉप। पाटनीटॉप में राइडिंग वगैरह का भी है, अगर देख सके हम, अगर हम लोगों को वहाँ पर मिलता है तो। जब यहाँ तक आए तो थोड़ा सा घूम कर ही जाते हैं, पाटनीटॉप जाने का प्लान है आज हम लोगों का। और साथ ही में वहाँ पे अगर कुछ राइडिंग वगैरह होंगे तो वो करेंगे। और भव्य के लिए भी देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो मूवीज़ में आपको लंबे लंबे पेड़ दिखते होंगे ना, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ वहाँ पर। और जो रूट्स का जो टर्निंग वाला जो पॉइंट्स है ना, बिल्कुल मतलब आप समझ नहीं सकते हो, 180 जितना टर्न होता है ना, उससे भी ज़्यादा का वहाँ पे पहाड़ों में टर्निंग का पॉइंट्स होता है। तो अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप स्काई का व्यू देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो पाटनीटॉप में बर्फ़ मिलती है, तो हम लोगों की देखते हैं कि हमारे लक में है या नहीं है अभी इस टाइम पर बर्फ़ है वहाँ पर या नहीं है पाटनीटॉप में। तो ये आप रास्ते का व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ते का व्यू है। ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री, मतलब जो फील होता है वहाँ पे फ्रेशनेस जो होती है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि सिटीज़ में तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छा व्यू है, देख सकते हो आप सामने का व्यू ये इस तरीके का। साथ ही में हमें भैया ने सजेस्ट किया था कि रास्ते में हमें यहाँ पे एक नाग देवता का मंदिर मिलता है, नाग टेम्पल के नाम से मिलता है। तो भैया ने, भैया भी बहुत अच्छे थे, हमारे कैब ड्राइवर जो भैया थे बहुत ही अच्छे थे। भैया से अगर आप लोग भी कभी उस साइड जाओ तो मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। नेचर वाइज बहुत ही अच्छे भैया थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जाओ और
वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा पार्किंग तक मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ही हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है। तो बीच में यहाँ पे नाग टेम्पल मिलता है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी दर्शन करते हुए चले जब यहाँ तक आए हैं। तो अभी देखते हैं रास्ता, मंदिर का आपको दिखाते हैं हम लोग यहाँ का। डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, इस तरीके का देखिए सारा वुडन का ही है यहाँ पे पीछे, डेकोरेटिव पीस है ये सारे। देख सकते हो बाकी बाकी मैंने क्या हुआ यहाँ पे प्रसाद मिलता है यहाँ पे चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो ये है यहाँ से, चलो बेटा लाड़ो सर। और स्पेशली उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे इनका जो फ़ोटो है उसको घर में रखना भी मना ही होता है, उसको घरों में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है इसी वजह से। और लेकिन यहाँ पे जो नाग देवता का जो पिंडी का रूप है वो इच्छाधारी नाग थे, उनका ही पिंडी के रूप में वहाँ पे अवतार लिया था, वो पिंडी के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। और ओवर यहाँ का व्यू इस तरीके का है, मैं आपको मंदिर का बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँगी, ये मंदिर के बाहर से ही है, तो देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पर बाहर का व्यू है। और ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, इस तरीके का मंदिर है। और यहाँ पे मंदिर के अंदर औरतों को जाना मना है, बाहर से आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी बच्चे होती है वो अंदर इजीली जा सकती है, और लड़के तो जा ही सकते हैं। चलिए आगे की यात्रा हम आपको आगे का क्या क्या होता है वो आपको दिखाएंगे। चलो बेटू बाय का हेलो करो सबको, बाय फ्रेंड, हेलो बाय, कैसे अभी नहीं बाय, हेलो करो हेलो फ्रेंड। चलो फाइनली हम लोग पार्टी तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे अभी है ये व्यू पीछे का देख सकते हैं, ग्रीन गार्डन के नाम से है यहाँ पे। और यहाँ पे एक इसी के पास में ही आपको चिल्ड्रंस गार्डन मिलेगा जहाँ पे बच्चों के लिए है सारा स्पेशली। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ एक बारी, और यहाँ पे हमारे गोलगप्पे मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले गोलगप्पे खाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले चिल्ड्रन गार्डन जाएंगे ताकि भव्या को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और उसका भी थोड़ी सी अच्छे से इन्जॉयमेंट हो जाएगा, वो भी देखो कितनी हैप्पी हो रही है, दिखा रही है पापा को बार बार, पापा चिल्ड्रंस गार्डन, पापा चिल्ड्रंस गार्डन दिखा रही है फिकर करके। तो ये है यहाँ से एंट्रेंस, आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री होती है चिल्ड्रंस गार्डन की, ये इस तरीके से गार्डन, मतलब वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का व्यूज़ देखिए एक बार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सपोज़ कीजिएगा जब बर्फ यहाँ पर होती होगी तो कितना सुंदर लगता होगा, मतलब स्पेशली यहाँ पर बच्चों का ही है। और अदरवाइज़ यहाँ का आप पूरा सराउंडिंग का व्यू देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, और जब यहाँ पे बर्फ गिरती हुई तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का है, देखिएगा यहाँ पे सामने नर्सरी है, वहाँ पे नर्सरी में प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। भव्या स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? भव्या बोल रही है अभी कि उसको बंजी जंपिंग करना है, देखते हैं कि वो कैसे करती है, यहाँ पे उसको मन कर रहा है करने के लिए तो उसको वही करवाने हैं, अभी उसका इच्छा है वो उसको कराते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा बच्चों का हो जाए तो वो भी थोड़ा हैप्पी हो जाएगी और थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगी इसीलिए। हेलो करो पहले मम्मा को, भव्या हैप्पी, डर तो नहीं लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा डर, सच्ची भव्या सुपर बन गया।
हाँ ऐसे थोड़ा 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 कर दो भैया, थोड़ा थोड़ा भैया, आराम से कर दो, छोड़ दो धीरे धीरे, और धीरे धीरे कर दो, और हाँ बस इतना इतना ही कर दो भैया, ज्यादा नहीं। अभी सही भैया, हाँ ऐसे ऐसे ही कर दो आप, हेलो तो कर दो अपने फ्रेंड्स को भैया, नहीं करना अभी भव्य को, आप लोगों को हेलो भी नहीं करना है, ऑलरेडी भव्य को काफी डर लगने लग गया है, भव्य डरते नहीं, भव्य सुपर गर्ल है ना, बेग नो भैया, बेग नो भैया, डर भैया डर, वाह भैया आराम से, हाँ बस ऐसे कर लो जंप, अपने आप जंप करो, चिल्ड्रन राइडिंग है यहाँ पे, चिल्ड्रन जो पार्क है उसमें से दो तीन ही है, मतलब बाकी एक तो ड्रैगन, ये टॉय ट्रेन है और ये जंपिंग वाला था और ये ड्रैगन वाला है, बाकी का यहाँ पे मिक्की वाला जो ये सब था, ये बुल वगैरह वो अभी बंद हो रखा है, वो सब नहीं है यहाँ पर अभी, तो अभी भव्या करेगी अपनी ड्राइव। यहाँ पर बच्चों के लिए राइडिंग के लिए बहुत कुछ है, बट अभी थोड़ा सा बंद कर रखा है, कुछ चीज़ें बंद है, यहाँ पे देख सकते हो व्यू बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे फिर भव्या बोलती है कि मम्मा ये करना है, तो हम लोगों ने भी अपना आपको मतलब बचपन याद दिला लिया, तो हम लोगों ने भव्या के साथ थोड़ा सा इंजॉय किया, तो देख सकते हो मैं और भव्या इंजॉय कर रहे हैं, और भव्या ने भी मासी के साथ भी इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा, भाभी फाइनली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, उसको खेलने के लिए मिल गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब ये तो उसका फेवरेट है, उसे खिसल पट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर भी वो खेल रही है, साथ ही मौसी से भी बोल रही कि आप भी है करो, आज और मौसी को बचपन याद दिला दो, और ये अनारदाने की चटनी है जो कि आपको सिर्फ यही मिलेगी खाने के लिए, बाकी और कहीं नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट करना तो इतना टाइम था नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक रास्ते में एक पार्क और मिला है, तो भव्या का सोचा कि थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे तो पार्क में उसको खिला दें, ताकि उसको कुछ खाया नहीं है, अभी हम जा रहे हैं एक और फाइनली अभी हम जा रहे हैं नथपत, क्योंकि वहाँ पर मैंने किसी ने बताया था कि हो सकता है आप लोगों को नथपत से थोड़ी सी बर्फ देखने के लिए मिल जाए, तो हम लोगों ने सोचा जब इतनी दूर तक आए हैं तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ी दूर और चले जाते हैं, वहाँ पे कम से कम बर्फ़ के मज़े तो ले लेंगे, इंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा, और साथ ही वहाँ से भी थोड़ा सा आगे जाने का प्लान है, वहाँ पे एक झील है जहाँ पे बोटिंग वोटिंग की फैसिलिटी है, तो हम लोग वहाँ पे जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसी लिए तो आपको हम लोगों ने यहाँ का तो कुछ ज़्यादा व्यू नहीं दिखाया क्योंकि हम लोगों ने खुद ही चिल्ड्रन गार्डन घूमा था, बाकी कुछ हम नेक्स्ट गार्डन में हम लोग गए ही नहीं है, तो आगे का जो भी होगा वो हम लोग आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे,